you certain examples of the different types of unit cells: cubic, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, hexagonal and triclinic. आपके सामने examples भी है. तो this is just a summary of what we have, the different types of crystal systems or the unit cells which we saw. उसका summary है ये. Okay. Okay, guys, can we move ahead? Okay, fine. Now we are going to see. Now just have a look. Explanation detail में थोड़ा बताओ. Sir, का next lecture कितने बजे है? आज नेक्स्ट लेक्चर नहीं है सर, आज एक ही लेक्चर रखा है आपका. अच्छा, मेरा ही लेक्चर रखा है. अच्छा अच्छा, ठीक है. सी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. अभी से भी ये देख के ले लो बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल. एंड जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मैं बात कर रहा था, दिस इज व्हाट योर प्रिमिटिव यूनिट सेल लुक्स लाइक. योर प्रिमिटिव यूनिट सेल विल लुक लाइक, ठीक है. द एटम्स विल बी अरेंज एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. ये जो एटम है ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना छोटा बनाया है, बट एक्चुअली में ना बेटा, एटम ऐसा बड़ा रहेगा और ये दोनों एटम्स एक दूसरे को टच करेगा. ये एटम भी एक दूसरे को टच करेगा, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है. सो ऑल द एटम्स विल बी टचिंग ईच अदर. कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है सिर्फ ये दिखाने के लिए, आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. When we go ahead in the chapter, now you will see the actual representation. So, अभी सिर्फ समझने के लिए इसको देखो, that in a primitive unit cell, the atoms are arranged at the corners of the unit cell. इस तरीके से, ठीक है? सर, फिर से एक बार रिवाइज करो ना. हाँ, yes. रिवाइज क्या करूं, वही मैं करूं बेटा. मैंने जो तुम लोगों को बताया था ना ऑडियो पे, उसका मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूं, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट नाउ, ठीक है. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया. प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था अपना? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. आई विल शो इट टू यू अगेन, होल्ड ऑन. देख बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल ए बी एंड सी इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है. इट इज प्रिमिटिव बोले तो पुराना या फिर ओरिजिनल, ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर पी. अब ये इसका 8 कॉर्नर्स है, ठीक है. इसके 6 फेसेस हैं और इसके 12 एजेस हैं. वेयर विल द एटम्स बी लोकेटेड? एटम्स विल बी लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. ये सबका कॉर्नर्स पे अपने को एटम्स रहेगा, ठीक है. अभी देखो कैसा एटम्स रहेगा. ये देख, ये दिख रहा है तुमको? इट्स अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द एटम्स विल बी प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. बस, और कहीं भी एटम नहीं रहेगा. एटम सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा इसके. जब भी क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम रहेगा, अपन उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल करके बोलेंगे. प्रिमिटिव यूनिट सेल, वी विल कॉल इट एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल. इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर पी. ओके, नाउ लेट अस सी सेंटर्ड यूनिट सेल्स. सेंटर्ड में दो टाइप का देखा था बेटा आपने. कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, अदर देन कॉर्नर पे दूसरा पोजीशन पे भी एटम रहेगा. तो अभी डायग्रामेटिकली आप देखो कि कहां पे एटम्स रहना पॉसिबल है. एक है एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा है एट द फेसेस. तो सेंटर यूनिट सेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड अपने को पोर्शन में नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हार्म नहीं होगा, राइट. सो लेट वील सी व्हाट इज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑल्दो इट इज नॉट देयर फॉर इन आवर पोर्शन, बट यू नेवर नो व्हाट कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम, राइट. सो बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड पे ज्यादा फोकस देना है हम लोग को. सो लेट अस सी व्हाट इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लुक लाइक.
क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, दिस क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर्स पे रहेगा, ठीक है, कॉर्नर्स है और सेंटर है, सेंटर में एक एटम है और बाकी का एटम्स विल बी एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ऑल द साइड्स आर क्या बोलते हैं इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, वो क्यूब के अंदर खाली जगह है, उसपे पूरा एक एटम है और कॉर्नर्स पे एटम है. सो दिस इज हाउ योर एटम्स आर अरेंज्ड इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके, ये आइडिया आया कैसे रहेगा एटम्स अरेंज. आठ कॉर्नर्स पे रहेगा और एक सेंटर में रहेगा, denoted by I, I inside. Now look at this face centered cubic unit cell. ये अपना क्यूब है, this is our क्यूब. अभी यहाँ पे कितना corners दिख रहा है अपने को, आठ corners दिख रहा है. We can see eight corners and we can see six faces. हर एक corner पे और हर एक face पे atom रहेगा. Let us see how. पहले कॉर्नर्स पे डाल देते हैं, सब कॉर्नर्स पे एक एटम आ गया, राइट, और अब सब फेसेस पे एक एक एटम आ गया. देखो बेटा, सब फेस पे एटम रहेगा. कैन यू सी दिस क्लियरली, एक दो तीन चार पांच, पीछे वाला छह, पीछे वाला यहां से दिखेगा नहीं, ये देखो ये पीछे वाला एटम है. सो एक दो तीन चार पांच छह, छह फेसेस के ऊपर छह एटम रहेगा. अभी अगर आप इसको सामने से देखो और ये वाला साइड देखो, तो ये जो साइड वाला फेस है आधा एटम बाहर है आधा एटम अंदर है, that way, ठीक है. ये कोई तो मास लाके बैठा है बाहर है क्या रे, कौन है, so this is your face centered cubic unit cell. Guys got an idea of the different types of unit cells? Yes, no, maybe. कड़ला कार्य बड़ा नो, हर्ष सिंह बोलता है यस, पार्थ बोलता है यस, अमन पठान भी बोलता है यस, वेरी गुड बेटा, हो सर यस, कूल गुड, हां जी केजान वेरी गुड, अंजलि यस, दीपिका यस, ठीक है अभी सब लोग यस में टाइप करो, सबका नाम नहीं पड़ेगा, ओके गुड वेरी गुड फाइन. सो going ahead we are going to see what I was talking about, wo 1/8 × 8 × 1 jo main bol raha tha na, abhi uska arrangement dekho beta, abhi dekh atoms are arranged at the corners of the unit cell, corner pe atom arrange rahega, theek hai, abhi ye jo corner hai is pe aisa bada atom rahega, is wale corner pe bhi bada atom rahega, to ye jo atom hai is corner pe wo atom ka center is corner pe lie kar raha hai, मतलब वो एटम ये वाला क्यूब में भी है, ये वाला क्यूब में भी है, ये वाला क्यूब में भी है और ये वाला क्यूब में भी है. अब 3D में इमेजिन करो, ये चार क्यूब्स में तो आ गया, इसके आगे भी चार क्यूब रहेगा, तो वो जो स्फेरिकल एटम है वो चार क्यूब के अंदर भी रहेगा. एक एटम जो एक कॉर्नर पे है वो एक्चुअली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आठ अलग क्यूब्स में दे रहा है, ओके. तो एक क्यूब को कितना एटम मिला, राइट, 1/8 × 8 विच इज इक्वल टू 1. देखते हैं अपन वीडियो में देखेंगे आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है. तो ये क्रिस्टल लैटिसेस तो एक के बाद ऐसा रखे हुए. अभी एक बात समझो बेटा, आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना तो आपको ऐसा स्क्वायर्स नहीं दिखेगा, सब्सटेंसेस तो एटम से ही बने हुए हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस एटम से ही बने हुए हैं. आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स, बट व्हेन यू सी द पाथ यू विल नेवर सी द लाइंस व्हिच यू ड्रॉ एज ऑर्बिट्स. जो हम लोग डायग्राम में ऑर्बिट के लिए सर्कल्स या फिर ओवल्स बनाते हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो बस उसका पाथ हमने ट्रेस किया तो करके हमको पता चला कि ऐसा सर्कल है. सोलर सिस्टम में प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट ऐसा अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे तो वहां से अपने को ऐसा लाइन नहीं दिखेगा कि लाइन बने ले उधर किसी ने सन के आसपास कि ये लाइन पे अर्थ घूमेगा, नहीं, उसका ट्रैक उसका पाथ हमने ट्रैक किया तो करके अपने को पता चला कि इट इज ओवल, तो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बनाया, ठीक है. तो यहाँ पे ना बेटा क्या बोलते
यहाँ पे ये क्यूब ना एक्चुअली ऐसा क्यूब नहीं दिखता है, एटम्स ही रहता है। वो एटम्स का जब मैं सेंटर ज्वाइन करता हूँ ना, वो अगर सपोज 8 एटम मिला, वो 8 एटम का मैं सेंटर ज्वाइन करेगा ना, तब मुझे एक क्यूबिक फिगर मिलता है, इसलिए मैं उसको क्यूबिक यूनिट सेल बोलता है। यू विल सी इट क्लियरली व्हेन इट विल बी शोन इन द वीडियो। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइस, थोड़ा सा है बट डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। अरे माइक टेस्टिंग कर रहे थे क्या? हेलो, लुक एट ओवर हियर, लुक एट दिस थिंग ओवर हियर। ठीक है, अभी देख, ये बीच में दिख रहा है एटम, ये बीच में देख, दिस येलो थिंग इज वन क्यूब, दिस इज वन क्यूब, ये पीछे यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज वन क्यूब, ये साइड का वन क्यूब है, यहाँ वन क्यूब है, एक क्यूब है, इसके पीछे भी एक और क्यूब है, ऐसा क्यूब रहता है। वो बीच में एक कॉर्नर है, वो कॉर्नर के ऊपर एटम रखा हुआ है। अभी वो एटम स्फेरिकल है, वो ये क्यूब में भी आ रहा है, ये क्यूब में भी आ रहा है, ये क्यूब में भी, नीचे वाला क्यूब में भी। दिस इज हाउ द एटम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल द क्यूब्स। सी, ऐसा 8 क्यूब में वो एटम रहता है। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस तरीके से एक कॉर्नर पे जो एटम था, वो एटम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा 8 क्यूब्स में देता है। तो एक क्यूब में उस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 1/8। वन एटम, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, वन एटम आई नीड टू डिवाइड इट इंटू 8 क्यूब्स, सो ईच क्यूब विल गेट हाउ मच एटम? 1/8, राइट? One atom is to be divided into 8 cubes equally. So, how much will one atom get? 1/8. ये concept समझा सब लोग को? This is important to understand ना, ये derivations वगैरह में आप ये अगर नहीं समझा तो फिर chapter is useless for you then. Yes guys? See, I just don't want to keep blabbering. You need to understand things also, right? And that is why we are having an interacting session. ओके, दो लोग ने कंफर्म किया, गुड। सो आई एम सपोजिंग दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस। सो फ्रॉम दिस वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ 1/8। ओके, या ओके बेटा, ओके, आई गॉट इट, यस, फाइन, कूल, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट कम्स इनटू बीइंग, दैट वन एटम एट अ कॉर्नर, वन कॉर्नर एटम इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 पार्ट टू दैट क्यूब। तो अभी टोटल कितना क्यूब्स, टोटल कितना कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है। सो हर एक कॉर्नर पे 1/8, ए रुक जा भाई, हर एक कॉर्नर पे 1/8 है। तो एक क्यूब में कॉर्नर्स की वजह से कितना एटम आया? 1/8 × 8, 8 कैंसल, 1 बचा। तो एक क्यूब में कॉर्नर्स की वजह से इफेक्टिव एटम इज 1। ऋषिकेश बोलता है फिर से दिखाओ, मैं दिखाएगा बेटा, मैं फिर से दिखाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बेटा, वो सेंटर में जो रखा है ना, ये सेंटर नहीं है, ये 8 क्यूब्स है, 8 क्यूब्स, एंड दिस इज वन कॉर्नर, द एटम इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर, द एटम इज स्फेरिकल इन शेप। ओके, सो लेट अस सी हाउ डज दिस एटम इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और हाउ मच इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वन क्यूब। ये 8 क्यूब्स को हम लोग ने तोड़ के साइड में किया, तो वो जो एटम है जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो क्यूब में गया, तो एक क्यूब में उस एटम का इतना सा पार्ट आता है। ये एटम को मैं जोड़ दू तो मुझे एक पूरा अखा एटम मिलेगा। ओके, ये जो टुकड़े हैं अगर इनको मैं जोड़ दू तो मुझे एक पूरा एटम मिलेगा। तो एक कॉर्नर पे एक पूरे एटम का कितना पार्ट आता है? 1/8, एक एटम 8 कॉर्नर्स, राइट? एक कॉर्नर पे एक एटम 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सिमिलरली अभी फेस पे, अगर एक एटम फेस पे है, क्यूब का चेहरे पे है, तो उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इफ इट इज एट अ फेस? नाउ सी, वन क्यूबिक यूनिट सेल, another cubic unit cell, ye ek ye do, ek do, these two are divided by one face,
this face is common for this cube also and this face is common for this cube also. इसके फेस पे एक एटम है बरोबर बीच में, आधा इसमें है आधा इसमें है. तो कॉर्नर पे अगर एटम आएगा तो वो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देगा एक क्यूब में, और अगर फेस पे एटम आएगा तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा इस एटम में. एज संदेश सेड इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज गोइंग टू बी हाफ. एक एटम आधा हो जाता है, आधा इस क्यूब में आधा इस क्यूब में. कब? जब वो फेस पे रहता है. ऋषिकेश ऑल्सो सेड इट राइट, ऋषिकेश चव्हाण, इट इज गोइंग टू बी हाफ, हाफ इन दिस एटम हाफ इन दैट एटम. Now what's going to happen if the atom is present at the center, जैसे body centered में center पे रहता है, what's going to happen if the atom is present in the center of an atom? अभी जब center of a cube, I'm so sorry, cube का जब भी center में रहता है ना बेटा, cube का जब भी center में रहेगा तभी this atom is wholly and solely dedicated to one cube only. It is not being shared by any of the other cube. इसके ऊपर cube है, बाजू में cube है, side में, आगे पीछे सब जगह cube है, but ये जो center में atom है वो कहीं भी share नहीं हो रहा है. तो अगर center में एक atom रहेगा तो वो पूरा का पूरा उसी cube में रहेगा, वो कहीं भी share नहीं होगा. These three concepts. कडलो का सगड़ियाना. It contributes completely to this. अभी ये edge centered है. एज सेंटर्ड बोले तो एज पे अगर एटम रहेगा तो, अभी एज बोले तो देखो ये दिस वन लाइन दिस इज द एज, तो अभी एज पे एटम है ठीक है. एज पे एटम रहेगा तो दैट एज इज बीइंग शेयर्ड बाय फोर डिफरेंट क्यूब्स. दैट मींस एक एटम एक क्यूब में 1/4 पार्ट दे रहा है. एज सिंपल एज दैट. दिस इज नॉट फॉर 12th का पोर्शन बट वेरी गुड. आई कैन सी मेनी पीपल रिस्पॉन्डिंग, राहुल पार्थ Tushar and others also. Okay? Very good. It's going to be 1/4. That means you all are understanding the concept. Very good, beta. Aditya, Chetan, Shetradnya, Rishikesh. Very good. It's going to be 1/4 contribution. That means you all have understood the concept. Very good. Aisa. Okay? Abhi, calculation of number of atoms per unit cell in primitive unit, primitive cubic unit cell, pile type ka unit cell. ठीक है, ये लिख के ले लेना बेटा down. Now in simple cubic unit cell there are 8 corners in the cube. There is one atom each at the corner. हाँ ये देखो, this is the concept which I wanted to tell. So actually जब हम लोग देखते हैं ना बेटा, तब अपने को वो line वाला cube नहीं दिखता है. एटम्स ऐसा अरेंज रहते हैं ठीक है. ये स्फीयर्स का, ये स्फेरिकल एटम जो है इनका सेंटर किधर है, अंदर है किधर, तो भी बिकॉज ये 3D है, इसका सेंटर्स को मैं जॉइन करेगा ना तब मुझे एक क्यूब मिलेगा. दैट इज माई क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, दैट इज माई क्यूबिक यूनिट सेल. तो लेट अस सी हाउ मच इज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. सर नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है. अरे तो बोलू नहीं मैं नालायक. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. आई एम गोइंग टू कट इट इनटू अ क्यूब. दिस इज हाउ माय वन क्यूबिक यूनिट सेल विल लुक लाइक. मेरा एक क्यूबिक यूनिट सेल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, तो अभी देख बेटा, इसका सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला, क्यूब मिला. बट ये एक क्यूबिक यूनिट सेल में पूरा एटम तो नहीं आ रहा है, 1/8 आ रहा है. तो ये कॉर्नर्स पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन है, अगर इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे इफेक्टिव कितना एटम मिलेगा वो जरा देखते हैं. ये देखो, ए धड़ा ए धुश. टोटल वन एटम. सो नंबर ऑफ एटम्स इन वन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 8 × 1/8 विच इज टोटल वन एटम. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज गोइंग टू बी 1. ये लिख लो बेटा, ये थोड़ा काम आएगा, थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो. नंबर ऑफ एटम्स इन वन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम. 8 क्यों बेटा, क्योंकि 8 कॉर्नर है. हर एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8.
सो 8 कॉर्नर्स इनटू 1 अपॉन 8 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इफेक्टिव 1 एटम इन दैट क्यूब. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर से सौरभ रजक. अरे बेटा मैं शायरी बोल रहा हूँ यहाँ पे. लुक एट इट सौरभ, दिस इज फॉर यू एंड अदर्स हु हैव हु वांट द कॉन्सेप्ट टू बी रिपीटेड. दिस इज हाउ योर एटम्स विल बी अरेंज्ड. द spheres are arranged like this. If you join the centers of these spheres, you get a simple primitive cubic unit cell. Okay, abhi how will the unit cell look like when I will cut these atoms into one cube? Ye dekho, look at this. This is the cubic unit cell. This is exactly how the cubic unit cell looks like. The atoms are arranged at the corners. One atom contributes 1/8 part into one unit cell. ठीक है, तो अभी ये सब corners पे, हर एक corner पे atom का कितना part आया है? 1/8 part आया है. This 1/8 into 8 corners, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1/8 into 8 is equal to 1. So effective atom, total number of atom in one unit cell, इसका एक कितना मास है इसके अंदर? एक atom के जितना मास है इसके अंदर. इसलिए we will consider one whole atom. जब मैं ये corners को अगर hypothetically join करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? एक अखा atom. So effectively एक cubic, एक primitive cubic unit cell में एक अखा atom रहता है. This is the concept. Okay, guys. You are welcome, Saurabh. Can we move ahead? Cool, Harsh Mahajan. Rishikesh, Chauhan. Oh, bhai, play ho ja. Yes, sir. Yes, sir. Krishna Dubey. भाई प्ले क्यों हो रही है? हो गया, हो गया. ठीक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक युनिट सेल. आता आपण बघूया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक युनिट सेल मध्ये इफेक्टिव नंबर ऑफ ऍटम्स किती असतात. कॉर्नरला 8 ऍटम असतात. प्रत्येक कॉर्नरला आपल्याला ऍटम आहे आणि कॉर्नरचा कॉन्ट्रीब्युशन इफेक्टिव किती असतो? 1 ऍटम. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक युनिट सेल मध्ये एक ऍटम सेंटर मध्ये पण असतो आणि त्याचा कॉन्ट्रीब्युशन किती असतो? एंटायर 1. तर कॉर्नरचा कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे किती? 1. सेंटरचा कॉन्ट्रीब्युशन किती? 1. टोटल ऍटम किती झाले या क्यूब मध्ये? 2. कसं बघूया. आता बघा क्यूबिक युनिट सेल आहे. डायग्रामॅटिकली हा आपण असं रिप्रेझेंट करणार. कॉर्नरला 8 ऍटम्स आणि सेंटर मध्ये 1 ऍटम. जर या ऍटमचा ओरिजिनल साईज मी इथे ड्रॉ केलं तर कसं दिसणार? हो की ड्रॉ हो असं दिसणार. ऍटमचा ओरिजिनल साईज झाला तर असा हा क्यूबिक युनिट सेल दिसतो. पण या ज्या ऍटम्स आहेत या ऍटमच्या सेंटर जर आपण जॉईन केलं तर आपल्याला एक युनिट सेल दिसतो. तर आपल्याला याला कट करावं लागेल. आपण कट करूया याला. एक केला, एक गेला, एक इथे आणि तिथे. असा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक युनिट सेल म्हणजे असा दिसतो. कॉर्नरला, एक कॉर्नरला कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे? 1/8 आणि सेंटर मध्ये एक अख्खा ऍटम आहे. तर टोटल कॉन्ट्रीब्युशन किती होईल नंबर ऑफ ऍटम्सचा बॉडी सेंटर्ड मध्ये? तो मधला एक ऍटम आणि ह्या सगळ्यांना जॉईन केला तर आपल्याला एक ऍटम मिळेल. 1+1 म्हणजे 2. Dude, I speak such so cool Marathi yaar. Come on, you should appreciate that. Look at this. Corners ka atom or center ka atom. So total number of atoms in a body centered cubic unit cell is going to be 2. Ye sab likhne ka? 2. 1+1 is 2. Very good. Basic maths.
दून एट कॉर्नर एटम्स इंटू वन अपॉन एट वन बॉडी सेंटर एटम इंटू वन टोटल इज इक्वल टू दोन. ये ऐसा करके लिखो काम आएगा आप लोग को. ऐसा करके लिखो इसको जल्दी. मैं पानी पीता हूं तब तक लिख के ले लो. डन. थोड़ा सा ही लिखना था जल्दी लिखो. आई थिंक एवरीबडी हैज रिटन. दो लाइन तो लिखने हैं. व्हाट वेट साहिल वेरी स्लो. सुमित विश्वकर्मा आदित्य साप केले सब काले ऋषिकेश चवान डन संदेश शिंदे डन उज्ज्वल सिंह हाँ फैजान खान हाँ जी. फेस सेंटर का चार आइटम कंट्रीब्यूट करेगा ना. यस बेटा ऋषिकेश वड़ीले यस जाला. ओके सो वी लेट अस मूव अहेड टू द फेस सेंटर्ड क्यूबिक आइटम. अरे तिवारी जी सौरभ रजक ये प्ले हुआ क्या. हाँ हुआ. नाउ लेट अस सी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या सीन रहेगा वो देखते हैं अपन. इसमें क्या रहेगा आठ कॉर्नर्स पे एटम और प्रत्येक फेस पे ऑन एवरी फेस यू विल हैव वन एटम. आठ कॉर्नर्स आहेत त्या आठ कॉर्नर वर एटम आणि प्रत्येक फेस वर एटम. किती फेस आहेत सहा. किती कॉर्नर्स आहेत आठ. एक फेस वर किती कॉन्ट्रीब्युशन असते एक फेस वर अर्धा कॉन्ट्रीब्युशन येतो आपण बघूया कसं. Let us complete this concept and then we'll end the lecture. I know you must be too overboarded. Look at this. This is how your oath theory kati gaya. Ruk bhai ruk. Thoda sa piche le. Ha. So, once the original size of the atoms is shown, this is how your actual face-centered arrangement is going to look like. This is how your actual face-centered unit cell is going to look like at the corners and at the faces. Now, if I join the centers of the corner atoms, I get the face-centered unit cell. Total 3 nahi beta. Face ka total 3 rahega aur corners ka 1. So, total 4 ho jayega. Let us see. Isko apun cubic unit cell mein kaat dete. Let us slice it off. Tishak, tishok, choom. This is how it is going to look like. This is how it is going to look like as a unit cell. Now, if I join all the corner atoms, I get one atom. And if I join all the face atoms, I get total. Corner. Faces wala atom. Faces ka atom. ये देख ये दीज एटम्स आर ओनली ऑन द फेसेस. ठीक है सिक्स फेसेस हाफ एटम ऑन ईच फेस. तो अगर एटम ज्वाइन का टोटल कितना होता थ्री. तो फेसेस का तीन एटम एक एटम फ्रॉम द कॉर्नर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज फोर. वेरी गुड. ये चैप्टर हो गया क्या तुम लोग फटाफट आंसर दे रहे हो. Very creative, Rishikesh. All possible languages you are using. So, ये भी लिख लो. Important है. समझने के लिए concept. Oh, nonsense. See this. Eight corner atoms into one upon eight, one atom. Six face centered atoms into half per unit cell. तीन एटम टोटल कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर. राइट इट डाउन गाइस. ये लिख लें आप सभी.
कमलेश सर, शुड आई कंटिन्यू और इज इट इनफ फॉर टुडे? कमलेश सर है कि नहाने चले गए? सर, कमलेश सर, मैं हूं कनेक्टेड कि मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूं? एम आई ऑडिबल? आपको? अच्छा अच्छा, मैं हूं। ओ हाँ भाई, हाँ यार, अंडरस्टूड। लिखो, तुम लिखो, तुम टाइप मत करो, सब लोग लिखो, तुम लोग। लिख लिया, वाह वाह वाह, वेरी गुड। चलो गुड सर, शुड आई कंटिन्यू और लाइक वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर? बंद बंद, आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है? अरे कोई तो हेक्सागोनल का कुछ पूछ रहा है साला, ये लोग बीच में कुछ ना कुछ बता देते हैं। ए गाइस वेट, समवन इज सेंडिंग मी समथिंग, डाउट, सम डाउट। किधर है? हेक्सागोनल में गामा का अलग वैल्यू क्यों? उसका अलाइनमेंट वैसा है बेटा, इसीलिए उसका अलाइनमेंट वैसा है, इसलिए वैसा आएगा। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल ये ना, हमने बोला था इट कैन बी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉट। परपेंडिकुलर बोले तो 90 degree, अदरवाइज इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। कमलेश सर आप हो गया? सर कॉल करके पूछो। तुम कौन हो? कृष्णा।
स्टूडेंट्स लेक्चर खत्म हो गया है, सर ने आज का सेशन ले लिया है, आप लोग आप लीव कर सकते हो, बाकी का शेड्यूल आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आगे का मैसेज आ जाएगा, तो अभी आप लोग लीव कर सकते हो। मैं 15 जुलाई को करते हैं, आज 10 अगस्त 10